आज के लेसन में हम गुट्टा को यूज़ करेंगे एज अ रेजिस्ट सिल्क पेंटिंग में। सबसे पहले मैंने एक पेपर के ऊपर बटरफ्लाई को ड्रॉ कर लिया था। अब मैंने सिल्क को ऊपर रख कर मास्किंग टेप की हेल्प से जो है मैं अपनी किसी भी आप टेबल या सरफेस जिस पे भी काम कर रहे हैं उस पे आप अपने सिल्क फैब्रिक को मास्किंग टेप की हेल्प से पेस्ट कर दें, मेकिंग श्योर कि जो नीचे आपने अपनी स्केच रखा है, ड्राइंग रखी है, वो जो है विजिबल रहे। अब मैं सिल्क के ऊपर जो है 3H पेंसिल को यूज़ करते हुए बटरफ्लाई को ट्रेस कर रही हूँ। 3H जो है उसका लेड बहुत ही लाइट लिखता है एज़ कम्पेयर टू बी पेंसिल्स। जो H पेंसिल्स होती हैं इनका लेड थोड़ा लाइट जो है वो ड्रॉ करता है, तो इसलिए पेपर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सिल्क फैब्रिक और एनी फैब्रिक जिस पे आपको पेंसिल की लाइन नहीं चाहिए, तो H पेंसिल जो है दैट वर्क्स वेरी नाइसली। क्योंकि आप जब इसके ऊपर गुट्टा लगाएंगे या वैक्स लगाएंगे तो ये विजिबल इतनी नहीं होगी, ये बस इतनी ही विजिबल है जितनी कि बस आपको ख़ुद से नज़र आ जाए। माई स्केचिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, तो मैं अब अपने फैब्रिक को जो है वो फ्रेम के ऊपर स्ट्रेच करके लगा लेती हूँ। इसमें मैं गुट्टा यूज़ कर रही हूँ जो कि वामिक का है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम ग्लास पेंटिंग्स में लेड को यूज़ करते हैं। एक रेजिस्ट है ये ताकि आपकी जो पेंट है वो स्प्रेड ना हो जाए पूरे फैब्रिक पे। इसको यूज़ करने के लिए ये नोज़ल एक साथ मिलती है, इस नोज़ल को मैं ऊपर से ट्रिम कर लूँगी ताकि जो है ये इजी एप्लीकेशन इसकी हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं इसको कट करना, जो उसका छोटा सा एक पोर्शन बना हुआ है काटने वाला बस उसी को काटें ताकि जो है इसमें से थोड़ा जो है वो गुट्टा निकले। अब पेपर पे चला के मैंने देख लिया इट्स वर्किंग फाइन, तो मैं अब अपने फैब्रिक पे डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करती हूँ। जहाँ जहाँ पर लाइन्स हैं उस पर मैं उसी के ऊपर जो है मैं अपना गुट्टा जो है वो अप्लाई करूँगी ताकि एक आउटलाइन जो है वो बन जाए। अच्छा, गुट्टा जो है उसमें आपको गोल्ड, सिल्वर और ट्रांसपेरेंट इवन ब्लैक कलर में भी मिल जाता है, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको किस कलर का गुट्टा चाहिए। इफ़ यू वांट कि आपको कोई आउटलाइन नहीं दिखानी तो फिर आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ इफ़ यू इंटेंड टू शो एनी सिल्वर, गोल्ड या ब्लैक आउटलाइन तो फिर ऑब्वियसली यू विल गो विद कलर्ड गुट्टा।
सारी बटरफ्लाई पे मैंने गुटा जो है वो अप्लाई कर लिया है. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द पेंटिंग प्रोसेस. मैंने अपने पेंट्स जो हैं, जो जो कलर्स मुझे चाहिए वो मैंने बॉटल से निकाल के अपनी पैलेट में डाल लिए हैं. अलॉन्ग साइड मैंने ब्रशेस और पानी को भी रख लिया है ताकि मैं ब्रश को वॉश करके नेक्स्ट कलर में डिप करूं, या फिर यू कैन कीप एज़ मैनी ब्रशेस जितने अपने कलर्स को यूज़ करना है. तो सबसे पहले जो है मैं अपनी येलो टोन से स्टार्ट लूँगी. और जैसे देखें अब फ़ौरन से कलर जो है वो स्प्रेड होता है. जब भी नेक्स्ट कलर को आपने अप्लाई करना है तो ऑलवेज़ गो विद द ब्लेंडिंग थिंग. ब्लेंड ज़रूर करना है. जो पहले वाला कलर आपने डाला था उसके साथ नए कलर को ब्लेंड करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वरना जब ये ड्राई होगा तो दो कलर्स आपको अपनी अपनी जगह पे अलग अलग नज़र आएंगे विदाउट एनी ब्लेंडिंग. और सिल्क पेंटिंग जो है उसमें ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो डिफाइन ही तब होता है जब आपने अच्छी ब्लेंडिंग की हो. मैं हर पोर्शन में जो है एजेस पे ब्राउन और मिड में जो है वो येलो रखूँगी. और सिर्फ मैं पेंट की प्लेसिंग नहीं कर रही बल्कि मैं दोनों कलर्स को मर्ज भी कर रही हूँ, ब्लेंड भी कर रही हूँ. इस एरिया में जो है मैं ब्राउन के साथ ऑरेंज को ऐड करूँगी. प्रीवियसली येलो के साथ कर रही थी लेकिन अब आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा कलर ट्रांजिशन की जाए तो मैं मिड में जो है थोड़ा सा ऑरेंज जो है वो भी ऐड इन करूँगी. यहाँ पे गुट्टा जो है वो कॉर्नर में एक छोटा सा टाइनी एरिया था जहाँ से वो मिसिंग था. तो यू कैन सी कि पेंट थोड़ा सा निकल गया है बाहर, बट दैट्स इक्वली फाइन. इसको जब मैं बैकग्राउंड पेंट करूँगी तो मैं इसको सेटल कर लूँगी. तो दैट शोज़ द पावर ऑफ गुट्टा कि अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो किस तरह से पेंट जो है वो एक छोटे से ऑर्फिस से भी निकल कर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है.
I'll keep adding brown, orange and yellow. काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. बट गिव इट इट्स रिक्वायर्ड टाइम, क्योंकि जितना पेशेंस के साथ ये काम होगा उतना ही एंड रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा. इस पोर्शन में अब मैं थोड़ा सा जो है ग्रीन का भी एडिशन करूँगी. इस पॉइंट पे ग्रीन और येलो को अगर मैंने मिक्स ना किया तो ये दो अलग अलग स्ट्रीक्स जो हैं वो दिखेंगी ड्राई होने के बाद. सो इट इज़ मैंडेटरी कि मैं इसको अच्छे तरीके से जो है इसकी ब्लेंडिंग कर लूँ ताकि जब ड्राई हो तो फिर ये यूनिफॉर्म कलर दिखे. अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स जो हैं इन दो एरियाज़ में जो है वो मिस कर दिए हैं. तो मैं पहले सबसे पहले जो है गुड्डा के साथ बना लेती हूँ सर्कल्स, क्योंकि यही हमारा पैटर्न जो है वो चल रहा है नीचे भी. मैं थोड़ा सा इसको ड्राई होने का टाइम देती हूँ गुट्टा को, क्योंकि इट्स नॉट सेफ कि अभी काम किया जाए. तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया और यहाँ इस एरिया को हम कंप्लीट करते हैं मीनवाइल.
इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा रेड जो है उसका भी एडिशन कर रही हूँ, क्योंकि बटरफ्लाई को थोड़ा सा कलरफुल रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स येलो, क्योंकि येलो जो है वो तो एक बेस कलर है पूरी बटरफ्लाई का। अब ऊपर वाला गुट्टा जो है वो हो गया है ड्राई, तो मैं इस एरिया को फिल अप कर लेती हूँ फ़ौरन से यूजिंग सम ग्रीन्स और ब्राउन एजिंग पे। ग्रीन क्योंकि जो है वो ड्राई हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा जो है पेंट दोबारा से लूँगी, वरना ये इसी तरह से जैसा से अभी दिख रहे हैं तीन डिफरेंट कलर्स ये ड्राई होके दिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेती हूँ यूजिंग द येलो। इस पोर्शन को अब मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ बाय यूजिंग ग्रीन, येलो, ऑरेंज और थोड़ा सा रेड भी यूज़ करूँगी। सिल्क पर पेंट जो है वो फ़ौरन से स्प्रेड करता है, तो आपने जैसा से हम एक्रेलिक्स को यूज़ करते हैं या ऑयल पेंट्स को यूज़ करते हैं वैसे इसको चलाना नहीं है फैब्रिक पे। बस आपने ब्रश को टच करना है और कलर जो है ख़ुद ही से स्प्रेड होगा। आपकी जो मेन जॉब होती है सिल्क पेंटिंग में वो होती है कलर की ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, तो दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड। रेस्ट कलर स्प्रेडिंग जो है वो सिल्क खुद से बहुत अच्छा कर लेता है। अगर आप जो हैं कुछ ऐसे पेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो उसी फैब्रिक के लिए हैं, लाइक यू कैन नॉट यूज़ एक्रेलिक पेंट्स ऑन सिल्क या कॉटन, ऑल दो यूज़ हो जाते हैं लेकिन जो है थोड़ा सा डल इफ़ेक्ट आता है। आप अगर एक्रेलिक पेंट्स में फैब्रिक बाइंडर को ऐड करें, फैब्रिक बाइंडर जो है वो आपको ईज़िली ऑनलाइन जो क्राफ्ट स्टोर्स होते हैं, आर्ट स्टोर होते हैं, उन पे आपको इजीली मिल जाता है,
तो अगर आप फैब्रिक बाइंडर को ऐड कर लें अपने एक्रेलिक पेंट में तो उसको भी एज अ फैब्रिक पेंट आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि जो पेंट जिस सरफेस के लिए बना है उसी को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट होता है उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है व्हेन यू आर यूजिंग सम अदर मीडियम पेंट ऑन सम अदर सरफेस। सर्कल्स में मैंने रेड ऑरेंज को कलर करना है ताकि थोड़ा सा जो है वो कलर ब्रेक हो जाए, बहुत ऑरेंज और येलो ना हो जाए। सो आई एम एडिंग सम मेजेंटा पिंक और रेड। और मिडल सर्कल जो है उसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन जो है उसको ऐड इन करूँगी। वैसे मैं सिर्फ ब्रश को टच कर रही हूँ और कलर जो है वो खुद ही से स्प्रेड हो रहा है। यही सिल्क पेंटिंग में होता है, आपको बहुत रिगरसली ब्रश नहीं चलाना होता, जस्ट लाइक यू आर डूइंग पेंटिंग ऑन एनी कैनवस या समथिंग। इस एरिया में मैं सबसे पहले जो है वो ग्रीन जो है वो कॉर्नर करके फिर अब मैं इसमें कुछ वाइट का एडिशन करूँगी। वाइट ऑल द फैब्रिक तो है ही, लेकिन वाइट का एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको वो फिर भी एक डिफरेंस जो है वो कलर में आता है। और सेकेंडली मैंने वाइट के बाद जो है वो ब्लू पेंट करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट ब्लू को स्टार्ट कर दूँगी पेंट करना तो वो भी स्प्रेड होके ग्रीन के साथ मिक्स हो जाएगा और कोई बैरियर नहीं होगा, इसलिए मैं वाइट को इसमें ज़रूर ऐड इन करूँगी।
ऑल्दो ये ड्राई होके नहीं इतना समझ आता, लेकिन एक बैरियर होगा ब्लू और ग्रीन के बीच में, वरना फिर दोनों कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। ब्लू जो है उसमें मैंने अपनी पैलेट के अंदर मैक्सिमम वाइट ऐड किया था, और जस्ट अ वेरी टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लू को मैंने ऐड किया था वाइट में, इसलिए जो है ये बहुत ही लाइट स्काई ब्लू टाइप कलर है। मैं डार्क ब्लू की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में मेरी जो बटरफ्लाई है वो ओपन है, तो मैं बैकग्राउंड भी कुछ लाइट ब्लू सा दूँगी ताकि वो इसी के साथ मर्ज हो के थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट दे। जो बॉडी है बटरफ्लाई की उसमें भी मैं यही करूँगी कि वाइट के साथ जो है वो ग्रीन को मिक्स करूँगी, तो उससे पहले जो है मैं वाइट का एक कोट कर लूँगी ताकि ग्रीन जो है वो पूरा स्प्रेड ना हो जाए बटरफ्लाई के अंदर। अब जब मैं ग्रीन ऐड करूँगी तो थोड़ा सा जो है वो अपनी पोजीशन संभाल लेगा और वाइट को ओवरलैप नहीं करेगा, बट आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली, क्योंकि ब्लेंडिंग नहीं होगी तो फिर लगेगा कि दो डिफरेंट लाइंस हैं, एक ग्रीन की और एक वाइट की, एंड दैट्स इट। तो ब्लेंडिंग जो है दैट इज़ द की, दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड एट एवरी स्टेप। सारा एरिया जो है वो मेरा पेंट हो गया है बटरफ्लाई का, तो नाउ आई विल स्टार्ट पेंटिंग दी बैकग्राउंड। बेबी पिंक मैंने लिया है, अगेन पिंक के अंदर, मैजेंटा पिंक के अंदर मैंने, वाइट के अंदर मैंने सिर्फ एक ड्रॉप जो है वो मैजेंटा पिंक का ऐड किया है, एंड लाइक वाइज वाइट के अंदर सिर्फ छोटा सा ड्रॉप मैंने पर्पल का ऐड किया है टू गिव सम वेरी पेस्टल कलर्स, और बहुत डल कलर्स हैं ये, जब ये ड्राई होंगे तो ये और भी ज़्यादा डल लगेंगे। तो नाउ आई एम पेंटिंग माय बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, अब मैं इसको 24 आवर्स दूंगी ताकि ये सेट हो जाए, ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको आयरन करेंगे ताकि जो गुट्टा है वो भी अपनी जगह पे सेटल हो जाए। और फौरन इसको वॉश नहीं करना है, गिव इट 24 आवर्स, अपनी जगह पे सेट होने के बाद 24 आवर्स बाद हम इसको आयरन करेंगे, और उसके बाद फर्दर 24 to 48 आवर्स बाद इसको आप वॉश कर सकेंगे। ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद जो है मैंने अपना फ्रेम के ऊपर से अपनी बटरफ्लाई उतार ली है। अब मैं इसकी बैक साइड करके फिर इसको सिल्क टेम्परेचर पे रख के अपन आयरन करूँगी। मैंने एक पहले हार्ड सरफेस नीचे रखी है और उसके ऊपर मैं अपनी बटरफ्लाई रखी है। अब इसको मैं विदाउट कवरिंग विद एनी थिंग डायरेक्ट हीट अप्लाई करूँगी। इससे जो होगा, जो गुट्टा है वो सेट हो जाएगा। जो थोड़ा सा रेस्ड आपको गुट्टा लग रहा होगा जब आप बनाएंगे, तो आपको थोड़ा सा रेस्ड सा इफेक्ट एम्बोस्ड सा आ रहा होगा, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस आयरन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। एक बार मैं फिर से इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कुछ एरिया जो अनअटेंडेड रह गया था हीट से, नाउ आई फील लाइक ये बिल्कुल परफेक्ट है।